दो जगह है एवरीवन, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बैंगन है, आलू है, लौकी है, कद्दू है, तो मिक्स वेजिटेबल सांभर बना रही हूँ। सांभर में तो जितने ज़्यादा सब्जियाँ डले उतना अच्छा है, और टमाटर भी डालती हूँ मैं साथ में, जब बॉईल करती हूँ ना तब टमाटर भी डालती हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो रही थी, देव का लंच पैक कर दिया है एक में, मैंने सोचा आज तीन तरीके से टिफिन दिया है, ब्रेकफास्ट वाले में फ्राइड इडली दी है और बाकी उसको एक में सांभर और नॉर्मल इडली और चटनी दी है। तो बस अब देव स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है, स्कूल जा रहा है, और आज ये बैग लेकर नीचे जाने में बड़ा परेशान कर रहा था अपने पापा को। आज वो बंक करने के मूड में था, उसका स्कूल जाने का मन नहीं था, घर में रहना चाहता था। गिराना मत और लंच पूरा खत्म करना, और आज जाना वाइस प्रिंसिपल के पास। जय माता दी। टाई मांग के लाना मैम से। इवनिंग में तो मैंने बना ली है आज बूंदी वाली कढ़ी और राइस। तो कभी कभी जब पकोड़े नहीं होते, मतलब पकोड़े बनाने का मन नहीं होता है, बेसन कम होता है, तो मैं बूंदी वाली कढ़ी और चावल भी बना लेती हूँ, और ये भी घर में सब लोग इजीली अच्छे से खा लेते हैं खुश होकर। हाँ जी, तो फिर रात में डिनर करके हम सो गए, थोड़ा सा टीवी देख के नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, देव स्कूल जा चुका है, हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पास में दिख रहे हैं बप्पा की मूर्तियाँ बन रही है। हम लोग आए थे यहाँ पर पूजा का सामान प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे प्यारे प्यारे बप्पा हैं। पूजा का नहीं ले ले गुड़िया के लिए, ये कोई भी चलेगी, सिंपल सी है एकदम। इसको भी लाइट वाली तो लेने ही पड़ेगी ना। दूसरा जा सकती है भैया, तेरा काका मन से एकदम सिंपल सादी, इसमें से कोई भी ले ले, ओम मत लेना, भगवान का मत लेना, नाम लिखा हुआ कोई भी, भगवान का नाम लिखा हुआ नहीं देना। एक नंबर। हाँ जी, तो देखकर आप समझ ही गए होंगे, हम लोग आए अपनी राखी की शॉपिंग करने के लिए, राखी के दो दिन बाद, कल भी मार्केट बंद था ना, तो स्वीटू ने यहाँ पे भगवान वाली लेने के लिए इसलिए मना करी क्योंकि उनका मानना है कि हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं ऐसे भी, मतलब दिन भर हाथ में राखी बंधी रहती है तो इधर उधर हाथ टच होता है तो दोष पड़ता है, इसलिए उन्होंने ओम वाली राखी लेने से मना किया है। इसके बाद कुछ फ्रूट्स भी ले लेते हैं, घर में फ्रूट्स भी ख़त्म है, तो देव को एप्पल रेगुलर लगते ही लगते हैं क्योंकि स्कूल जाने के पहले एक एप्पल ज़रूर खाता है ब्रेकफास्ट के साथ वो। फोटो आएगी। ये लाइट का सर।
इसके बाद इनके एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, हम लोग यहाँ पर आ गए थे उनसे मिलने, उनको मैंने कैमरे में नहीं लिया है क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाट और गुपचुप खाई। अब घर पे मेरा लंच बना रखा हुआ है तो वो फिर अभी जाएंगे, अभी पेट भर जाएगा तो फिर लंच कैसे करेंगे ना। तो फिर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि प्लान नहीं होता है बट चीज़ें हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर की थी आलू टिक्की चाट, दही पूरी और पानी पूरी भी खाई थी बाद में। तो इसी में ना पेट भर गया था मेरा, तो घर पे जाके मैं लंच नहीं कर पाई थी। एक्चुअली कहीं पे प्लॉट्स की कटिंग हुई है यहाँ पे, तो सस्ते दामों पे किश्त पे प्लॉट्स मिल रहे थे, तो वही सारी चीज़ें इनसे डिस्कस कर रहे थे। बट इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है और अभी इतनी सेविंग भी नहीं है कि हम लोग घर बना सकें। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही थी। बस एक बार इन्होंने उनसे कभी कहा होगा, एक होता है ना कि हर कोई अपनी लाइफ को लेकर कुछ सोचता है कि कभी कुछ हो तो बताना, बट हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हमको कवर्धा में घर बनाना है या कुछ, अभी माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमको तो पता ही है कि हम कुछ सालों में यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे, अब दिल्ली जाएंगे मुंबई जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। ये खिंचाएगा कैसे, मोटर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये इनकी राखी है, लास्ट ईयर भी एवी लाई वाली लिए थे ना। पप्पा को हाथ लगा, जय देवा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हम भी बहुत बढ़िया हैं। और देव ने अपनी न्यू टी शर्ट पहन ली है, जिसके लिए दो टी शर्ट्स लेकर आए थे ना राखी के लिए। और अभी भगवान जी को राखी बांधने का सब कुछ चल रहा है, भगवान जी को राखी चढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं देव को बांधूंगी। और स्वीटू की राखी ऐसा है कि कहते ना, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका तो उसके तो भगवान होता है, तो माता रानी है। तो देव माता रानी के सामने राखी रख देगा और माता रानी के सामने हम लोग ऐसे ही करते हैं, हर साल राखी ले लेते हैं, मतलब जाते हैं मार्केट तो जब देव के लिए राखी लेते हैं ना, इनके लिए भी राखी ले लेते हैं और माता रानी के सामने देव के हाथ से रखवा देते हैं और दो मिनट उनके सामने रहती है तो माता रानी का उसको आशीर्वाद मिल जाता है, वही राखी उठा के देव अपने पापा को बांध देता है। तो बस इस तरीके से मेरे स्वीटू की भी राखी कभी अधूरी नहीं रहती है। क्यों, एक नंबर काम। और मैं जिसको जिसको भगवान की मतलब राखी बांध रही उससे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ जी, तो अब बता चला देते हैं पापा जी की तरफ। जी यहाँ पे तो मैं सबको कर चढ़ा दिया हूँ। अलमारी में भी बांधना है? हाँ, अलमारी में बांधना है, फ्रिज में बांधना है। तो इस बार हमारी बाइक में नहीं बंध पाएगी क्योंकि बाइक वहाँ पे छूट गई है, तो बाइक में नहीं बंध पाएगी। तो बाकी तो जो जहाँ जहाँ पे हम लोग बांधते हैं वहाँ बांध देंगे। और मोस्टली आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, घर में सारी चीजों में राखी चढ़ाई जाती है ना। लास्ट ईयर कमेंट आया था कि हम नहीं चढ़ाती, ये क्या है। तो हो सकता है आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे यहाँ होता है। तो हम करते हैं, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं और हर कहते हैं वो तो एक स्टेट के तहसील पर रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर तो स्टेट का बहुत फर्क पड़ जाता है कि हो सकता है जो नॉर्थ इंडिया में होता हो इधर ना होता हो। तो बस इतनी सी बात है। तो कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि स्वीटू अलग अलग रिचुअल्स, उनको लगता है कि अरे ये क्या, तो ऐसा नहीं। और ये पीछे जो दाग दिख रहे हैं ना, देव जब पूजा करता है ना तो कई बार ऐसे हाथ रख देता है, उस वजह से वो वॉल पे निशान पड़ गए हैं। और ये है हमारी पूजा की राखी। दादू को चढ़ा, पकड़ पूरी पकड़ ले। ये इसकी कैसी लग रही टी शर्ट, कंघी नहीं किया है क्या? ऐसे चढ़ा दे, ऐसे चढ़ा दे बेटा, ऐसे चढ़ा दे सामने से। देखो लाइट वाली हमेशा एक चाहिए रहती है, इसमें स्वीट ब्रो लिखा हुआ है, ये बहुत ही प्यारी लगी। ये केले कल से लाके रखे हुए हैं, ये रुमाल, ये देव बैठा है, इसके पापा बैठे हैं, सबको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। लो पकड़ो, इस वाले चेयर में बैठना बेटा, फिर मैं इधर से बनाता हूँ ना। एक बार लाइट अभी भी कम है इस कमरे में, और लगानी पड़ेगी। हाँ जी, आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने यहाँ पे पेड़ा पहले खिला दिया, उसका रीज़न ये है देव को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक्चुअली उसे ना ये जोधपुरी स्वीट्स के जो मलाई पेड़े होते हैं वाइट वाले, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही, पहले भी कवर्धा में रहा ही है ना, तो फिर इसलिए उसकी इच्छा रखने के लिए वो जिद कर रहा था, मैंने उसको पेड़ा खिला दिया क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, छोटा बच्चा है।
लास्ट वाले व्लॉग्स में आप देख ही चुके कि राखी में कैसा रहा। राखी के दिन हम लोग राखी सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि चीटू सफ़र में थे और अचानक से उनको टूर पे जाना पड़ा, पहले से कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया था तो टाइम पे जाना पड़ा, तो राखी की शॉपिंग भी नहीं हुई थी हमारी, मतलब इवन के भगवान जी को चढ़ाने के लिए भी राखी के दिन हमारे पास राखी नहीं थी। हम लोगों ने जब पूजा की थी ना तो मौली धागा चढ़ा दिया था, तो बस आपने देखा ही कि हम लोगों ने आज अपने भगवान जी की भी राखी की पूजा की, उनको भी आज ही हमने राखी चढ़ाई है, अपने कान्हा जी को भी आज ही राखी बांध दी, मैंने गणेश जी को भी आज ही राखी बांध दी, तो आज हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे भी कहते हैं ना कि अगर राखी के दिन ना सेलिब्रेट कर पाओ तो आप हर छठ या जन्माष्टमी तक सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बलराम जी को और कान्हा जी को राखी बांधते ही है ना। दो जगह तेरे काटना पड़ेगा, मेरे हाथ हिलाए हंसते हुए तो इस तरफ आ गया था। दोनों इधर देखो एक बार जल्दी, वहां हाथ पलटा, एक सेकंड, एक बार पलटा लो। अच्छा, यहाँ पे हमारा कुछ कन्वर्सेशन भी चल रहा था, स्वीटू अचानक से राखी बांधते हुए बोलते हैं कि भगवान हमें भी एक प्यारी सी बेटी दे दे, हमारा बहुत मन है कि हमारी एक प्यारी सी बेटी हो। तो देव की एक बहन आ जाएगी और स्वीटू बोलते हैं कि हमारी बेटी ही मतलब स्वीटू को भी राखी बांध दिया करेगी, देव को भी राखी बांध दिया करेगी, जो सेलिब्रेशन है वो कम्प्लीट हुआ करेंगे। तो एक बेटी से रौनक रहती है घर में, तो बस एक इच्छा है ऐसी हमारी बस। और टिमटिम की भी राखी जो आती है हर साल डेली से टिमटिम की राखी आती है, वो भी मैंने देव को बांध दी थी। और इस बार क्या हुआ कि नीचे हमारे जो लैंडलॉर्ड की बेटी है खुशबू, उसने भी देव को राखी बांधना शुरू किया है। तो ये रहा इनका पहला रक्षाबंधन, साथ में सेलिब्रेट किया था इन्होंने, राखी के दिन की पिक्स है ये। कार्टून देखता है, कार्टून के साथ गेम भी मजा लेता हुआ। नहीं, गेम तो मैंने हटा दी ना मोबाइल से, गेम नहीं है, मैंने डिलीट कर दी थी। आया होगा मोदा बांधी सी आई है। चलो बिजली बिजली, उसको बोलना दूध पहुंचा देगा घर में, लड़की को आदत पड़ जाएगी। बोली ज्यादा हुआ तो बंद करवा दूंगा मैं। कभी नहीं भी निकलना हो तो निकलना पड़ता है उसके लिए, अक्सर तबीयत खराब हो तो तब जरूर जाना पड़ता है, तब तो आता ही नहीं। तो अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके हम लोग निकले हैं मार्केट, क्योंकि सब्जियां ख़त्म है तो सब्जियां लेनी। वैसे तो सब्जियां भोला भैया को कॉल करो तो वो घर पे भिजवा देते हैं, वो फैसिलिटी है, बट कभी कभी होता है ना खुद जाके लेने का मन करता है मेरा, तो कभी कभी मैं बोल देती हूँ स्वीटू को। तो हम लोग आ गए मार्केट। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ 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 जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सब्सक्राइब करके देखिए प्लीज़। आप लोग सब देखते तो रेगुलर है, कुछ ऐसा समझ में आता है कमेंट से, बट सब्सक्राइब नहीं करते। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए।